रहता का उल्टा चश्मा। पर वो तो बबीता जी के पहचान वाले हैं ना। अरे तो क्या हुआ, पकड़ो। अरे सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि मेरा मोबाइल गाड़ी में ही रह गया, पर ये तो मेरे बैक पॉकेट में ही था। वो तो ठीक है, लेकिन ये चेक क्यों फाड़ दिया आपने? इसीलिए क्योंकि ये कोई काम का नहीं, अगर आप इसे डिपॉजिट करते तो भी वो बाउंस हो जाते। विकी भाई को फोन करता हूँ। एक मिनट, फोन करके कहोगे क्या कि मुझे कल के डेट का चेक चाहिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं। अरे भाई, जब तुम्हें चेक मिला था तब उस पे क्या लिखा है वो ठीक से पढ़ लेना चाहिए था। अब अगर फोन करोगे तो वो तुमसे कहेंगे कि पोस्ट डेटेड चेक है, पास हो जाएगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। देखिए विकी भाई, मैंने बबीता जी के भरोसे पे आपको लाखों का माल दिया, अभी आप पेमेंट नहीं देंगे तो मैं तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। किसने कहा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा? मैं तो स्पेशली आपको पेमेंट करने ही आया हूं। और आपने हमें जो पेमेंट का चेक दिया था वो आपने वापस ले लिया, फाड़ दिया, अभी आप कह रहे हैं कि आप स्पेशल पेमेंट देने आए। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। रिलैक्स जेठालाल जी, रिलैक्स। मैंने ये चेक इसीलिए फाड़ा बिकॉज वो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। मैं पूरा पेमेंट आपको दूसरे अकाउंट से आरटीजीएस कर दूंगा। कर दूंगा मेरा मतलब है अभी कर देता हूं। एक मिनट, हो गया। मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। मैंने आपको पोस्ट डेटेड चेक दिया फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। मैंने डेट देखी ही नहीं थी, क्या बोलूं। चलिए मैं चलूं। अरे एक मिनट विकी भाई, आपको चाय जूस नहीं पीना है, ठीक है? कुछ नाश्ता मंगाता हूँ आपके लिए। गुड गुड, बट नो, मुझे एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम पक्का 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 पक्का, ठीक है? ओके ओके, बाय बाय। कांग्रेचुलेशन सेठ जी, कांग्रेचुलेशन, पेमेंट मिल गया। मिल गया भाई, पेमेंट मिल गया। उन्होंने चेक फाड़ा तब मेरी तो जान ही निकल गई थी कि गया, लाखों का पेमेंट गया। हाँ, हम भी। हाँ। नहीं नहीं, लेकिन आदमी एकदम जेन्युइन निकला। ओह, यू मीन जेन्युइन। हाँ। तो सेठ जी, अभी क्या? अभी अरे आपने कहा था ना। क्या भूल गए? अरे क्या भूल गया? अरे आपने कहा था ना आप हमें पार्टी दोगे। हाँ, तो फिर मैंने ये भी कहा था ना कि आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पार्टी दूंगा। तो बताइए, आप लोग मुझे सोच के बताने वाले थे, बोलिए कहाँ पार्टी चाहिए। वो तो अभी सोचा नहीं है, आइए नटू काका सोचते हैं। अरे भाई ये मैं ले जाऊं? नहीं नहीं सॉरी, मैं ले रहा हूँ सेठ जी, सॉरी। हाँ चलो चलो चलो। वाह वाह, ये पेमेंट का कितने दिनों से टेंशन था, आखिरकार पेमेंट मिल गया। वैसे बबीता जी ने तो बोला ही था कि टेंशन मत लीजिए, पेमेंट मिल जाएगा। बबीता जी को फोन करके खुशखबरी दे देता हूँ।
के पेमेंट मिल गया है। हाय जेठा जी, बोलिए। बबीता जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? अरे आपकी भविष्यवाणी सच निकली। आपने कहा था ना टेंशन मत लीजिए, विक्की जी का पेमेंट मिल जाएगा, तो पेमेंट मिल गया। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस जेठा जी। उसके लिए थैंक यू। जेठा जी, आप भूल गए क्या? यही कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। ओहो, बबीता जी गजब गजब है आप। आपकी जगह कोई और होता ना तो मुझसे कहता अभी कभी मुझे पार्टी चाहिए, मुझे पार्टी चाहिए। और एक आप है जो मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने दे रहे। जेठा जी, इसी को तो फ्रेंडशिप कहते। वाह वाह बबीता जी वाह, एक दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ दोस्ती कैसे निभानी चाहिए कोई आपसे सीखे। और एक दोस्त को दूसरे दोस्त की तारीफ कैसे करनी चाहिए ये कोई आपसे सीखे। अरे नहीं नहीं बबीता जी, लेकिन सच में मैं कितना नसीब वाला हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं। बस बस जेठा जी, अभी रहने दीजिए, चलिए मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय। ओके ओके बबीता जी, ओके बाय बाय। चलो अभी बापू जी को खुशखबरी दे देता हूँ। हेलो। हाँ बापू जी। हाँ बोल बोल जीडिया, क्या हुआ, पार्टी का पेमेंट आ गया? ले आपको कैसे पता चला? अरे तेरे आवाज में जो खुशी है ना उसी से पता चल गया मुझे। ओ अच्छा। बापू जी थैंक यू। हाँ अरे उसमें मुझे क्या थैंक यू बोल रहा है? बापू जी आपने अगर मुझे समझाया नहीं होता तो मैं चिंता करते ही रहता, ना ठीक से सो पाता, ना नवरात्रि का आनंद ले पाता। अरे वही तो जेठिया, हमें जीवन में यही सीखना है कि कभी भी किसी भी बात के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, है? भगवान सब देखता है। हम अगर किसी का बुरा नहीं करेंगे ना तो भगवान भी हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देते। और दूसरा क्या है कि हमें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे आस पास उदासी, निराशा, थकान, नकारात्मक भावनाएं मंडराने लगती है। इस वजह से जो काम बनने वाले होते हैं ना वो भी बिगड़ जाते हैं। वाह वाह बापूजी वाह, मैं कितना नसीबदार हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। आपसे ऐसी कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। हाँ चल मिलते हैं रात को, रखता हूँ। ओके बापूजी, ओके। चलो बबीता जी को फोन कर दिया, बापू जी को फोन कर दिया। अभी ए मेहता साहब, सबसे ज्यादा तो वही टेंशन ले रहे थे, सॉरी ले रहे थे नहीं, टेंशन दे रहे थे। उनको फोन करके बोल देता हूँ कि इस बार मेरी कुंडली ने कोई और चंडाई नहीं की है, पेमेंट मिल गया है। अरे भाई मैं थे कल, तुम वो नया साइट पे गया था ना जी, उसका फोटो निकाला कि नहीं निकाला? हाँ, हाँ। तो दिखाओ ना मेरे को। जी, जी 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 दिखाओ। ये हाँ। एक दिखा। सॉरी सर सॉरी। मेहता साहब ने फोन काट दिया या कट हो गया? नहीं नहीं कट ही हो गया होगा। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बड़ा प्रीमियम साइट है, मालूम है आगे समुंदर है पीछे नाला। हाँ अच्छा सुनो, नाले का फोटो तो नहीं डाला ना? नहीं 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 सर। ये तुम्हारा दोस्त जेठालाल बार बार तुमको फोन क्यों करता है भाई? जब तुमने एक बार फोन काट दिया तो उसकी समझ में नहीं आता कि तुम बिजी हो? सर वो दोस्त है ना, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। अच्छा तो हम लोग यहाँ पर पार्टियां कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मटरकश्ती कर रहे हैं है? देखो मैके, पर्सनल फोन ऑफिस में नहीं आना चाहिए, समझे? सर मैं ही समझता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त जेठालाल ये नहीं समझता है। आप मुझे फोन दीजिए, मैं उसे ना कह देता। हाँ लो बात करो, लेकिन सुनो फोन को स्पीकर पे डालो। सर लेकिन हो सकता है उसे कोई पर्सनल काम हो। ना ना स्पीकर पे ही डालो। सर लेकिन अरे बोला स्पीकर पे डालो यार। जी 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 जी, मालूम तुम्हारे क्या बात करता है वो? हेलो। अरे क्या हेलो मेहता साहब, कितना टाइम फोन उठाने में भाई, आपके अपने वो खड़ूस बॉस के साथ थे क्या? बॉस खड़ूस नहीं है जेठालाल,
अरे हाँ हाँ नहीं नहीं, आपका बॉस खड़ूस नहीं, डबल खड़ूस है। नहीं क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्या बोल रहे हो क्या? आप ही हमेशा कहते हैं ना कि आपका दो सर वाला बॉस एक नंबर का खड़ूस है। और बताओ कैसा है मेरा बॉस जेठालाल? कौन कौन? मैं वही बोल रहा हूँ जिसकी तुम इतनी देर से तारीफ के पुल 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 बांध रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ तुम्हारे दोस्त मेहते का दो सर वाला बॉस। भगवान ये क्या हो गया मुझसे? प्लीज मैं तो सबको बचा लेना प्लीज। तो मैं तेरा दो सर वाला बॉस हूँ। नहीं नहीं, आप कहने का मतलब नहीं समझे। दो सर वाला बॉस मतलब जिसके पास डबल दिमाग हो, डबल दिमाग, बहुत 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 ज्यादा स्मार्ट हो वो। अच्छा ओके, मान लिया तूने कहा और मैंने मान लिया, लेकिन जो मुझे वो डबल खड़ूस बोला वो क्या, उसका क्या? उसके कहने का भी ये मतलब है कि कोई भी डबल खड़ूस इंसान अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाए ना, तो आप उसको सिंगल खड़ूस कर, मतलब उसको आप खड़ूस रहने के लायक ही नहीं छोड़ो। मैं चले आती हूँ, मैं बच्चा हूँ, दूध पीता बच्चा हूँ मैं, तू बोलेगा और मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा। अपने दोस्त जेठालाल को बोल दे आइंदा अगर ऑफिस आवर में उसने कभी फोन किया तेरे को, तो तू भी जाएगा, तेरी नौकरी भी जाएगी। क्या होगा? तू भी जाएगा, तेरी नौकरी भी जाएगी। हाँ जी सर, जी 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 सर, जी सर। सॉरी। कितना डर गया। अरे तू सॉरी क्यों बोलता है? तूने थोड़ी ना कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया और मैंने कुछ बोला भी नहीं है। मालूम है तू कुछ नहीं बोलता है, मेरे सामने कुछ नहीं बोलता है, जो बोलता है मेरी पीठ के पीछे बोलता है। और तू नहीं, मैं जानता हूँ ये पूरा का पूरा जो स्टाफ है ना मेरा, वो मेरी पीठ के पीछे क्या क्या बोलता है मैं सब जानता हूँ। अच्छा क्या? यही कि मैं दो सड़ वाला बॉस हूँ, दो सड़ वाला। लेकिन क्या है कि हर बॉस को थोड़ा बहुत खुरूस तो रहना ही पड़ता है ना। अगर बॉस खुरूस नहीं होएगा तो लोग काम कैसे करेंगे। अब तुम भी जाओ, अपने कैबिन में जाओ, अपना काम करो। जाओ जी 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 बॉस। और सुनो, ये दो फाइल पकड़ो, पकड़ो इनको, ये आज ही खत्म होना चाहिए दोनों फाइल। पर इसकी डेडलाइन तो कल है ना सर? मालूम है, तभी तो मैं आज खत्म करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में 24 घंटा लेट चल रहे हो। अगर कल बोलूंगा तो तुम परसों खत्म करोगे, समझे? और सुनो, भले ही तुमको ओवर टाइम करना पड़े, ये फाइलें आज खत्म होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। जाओ। जी 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 बॉस, जी बॉस, बाय बॉस। आज तो जेठालाल ने मरवा ही दिया, ना लेना ना देना, जबरदस्ती मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अरे बाप रे, कहीं मेहता साहब के बॉस मेहता साहब के फोन से तो फोन नहीं कर रहे? क्या करूं, उठाऊं के नहीं? आइडिया से उठाता हूं। हेलो, कौन बोल रहे है? मैं बोल रहा हूं। मेहता साहब आप फोन स्पीकर पे तो नहीं है ना? नहीं। और आप अकेले ही है ना? ये आप पूछ रहे हो, जब पूछना चाहिए था तब तो नहीं पूछा। अरे जेठालाल, तुम्हें समझ नहीं आता कि एक बार इंसान ने फोन काट दिया तो समझ जाना चाहिए कि वो इंसान बिजी है या फिर कहीं पे फंसा हुआ है। सॉरी सॉरी मेहता साहब, लेकिन मुझे लगा कि फोन अपने आप कट हो गया, इसलिए मैंने दोबारा लगाया। सॉरी सॉरी। अरे भाई क्या करूं तुम्हारी सॉरी का, तुम्हारी वजह से अब मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। काश मुझे आपका काम आता तो मैं आपका सारा एक्स्ट्रा काम कर देता। अरे भाई तुम तो रहने दो, तुम्हारी कुंडली तो मेरी नौकरी भी खा जाएगी। तुम खुद तो फंसते हो, मुझे भी फंसाते। अब प्लीज फोन रखो, मुझे बहुत सारा काम करना है, रात को बात करते हैं। ओके ओके मेहता साहब, ओके ओके ओके। बेचारे मेहता साहब मेरी कुंडली की वजह से फंस गए। इस बार मेरी कुंडली ने मुझे बख्श दिया, लेकिन उनको लपेटे में ले लिया। पेमेंट मिल गया, वो खुशखबरी भी नहीं दे पाया। अब तो पूरा पेमेंट मिल गया तो बबीता जी को गिफ्ट देना तो बनता है। क्या गिफ्ट दूं? तक
आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो सोच रहा था। क्या हुआ सेठ जी, कोई नया टेंशन है? अरे चुप चुप बोल भाई। नहीं, वो आप गहन सोच में थे तो क्या सोच रहे थे? वो गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था। अरे वाह, तो सेठ जी मुझे एक स्कूटर गिफ्ट कीजिएगा। तो क्या है, मैं पूरा दिन बावरी जी के साथ उस पे घूम सकता हूँ। और मुझे एक गोल्डन फ्रेम के चश्मे, आई लाइक रियल गोल्ड फ्रेम। अरे ओ चाचा भतीजा, मैं बबीता जी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था। उनकी वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला, तो हमारी तरफ से उनको कुछ गिफ्ट तो देनी चाहिए क्या? नहीं, गुड, वेरी थॉटफुल। मतलब बहुत अच्छा विचार है। ओह थैंक यू। तो सोचो, तुम लोगों के पास भी अगर कोई सुझाव हो तो बताओ कि क्या गिफ्ट दे सकते हैं बबीता जी को। मिक्सर, सेठ जी आप बबीता जी को मिक्सर गिफ्ट कीजिए। मिक्सर? ओ भगवान, जब से ये मिक्सर आया है चटनी बना बना के मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसा गिफ्ट कोई देता है क्या? नहीं नहीं, मिक्सर नहीं। क्यों नहीं? मिक्सर तो एक गृहिणी के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है। हाँ, पर बबीता जी गृहिणी है, बराबर है, लेकिन मिक्सर नहीं, मिक्सर नहीं। क्यों, मिक्सर क्यों नहीं? अरे भाई, मान लो बबीता जी ने वो मिक्सर में अय्यर भाई के लिए चटनी बनाई। अभी अय्यर भाई का वो चटनी तो अच्छी लगेगी क्योंकि बबीता जी ने बनाई है, तो बार बार वो बबीता जी को चटनी बनाने का ऑर्डर देते रहेंगे, तो बबीता जी का कितना काम बढ़ जाएगा। फिर बबीता जी हमें ही कोसेंगे कि ऐसी कोई गिफ्ट देता है भला। इसलिए मिक्सर नहीं, मिक्सर नहीं, कुछ और सोचो। तो अपनी दुकान से एक मोबाइल दे दीजिए। नहीं, मोबाइल नहीं। ले, मोबाइल क्यों नहीं? अरे भाई, वो सोचेंगे कि हमारी दुकान में तो ढेर सारे मोबाइल है, तो उसमें से हमने कोई भी अच्छा वाला मोबाइल उठा के उनको दे दिया। अरे गिफ्ट तो ऐसी होनी चाहिए कि देख के उनको लगे कि वाह, इन लोगों ने, मतलब मैंने कितना सोच के, कितना गहन विचार करके ये गिफ्ट उनको दी, तब जाके क्या उनके मन में हमारे प्रति प्यार, पान, मान, मान, उनके मन में हमारे प्रति मान बढ़ेगा। तो ऐसे कोई गिफ्ट के बारे में सोचो। जी जी सेठ जी। गुड मॉर्निंग टेटालाल जी। टेटालाल जी नहीं बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। और सुबह सुबह यहाँ आने की गलती से मिस्टेक कैसे हो गई? ऐसी, मैं तो बागेश्वर जी के दर्शन करने आ गई। दर्शन? ये क्या मंदिर है? हम जिस जगह काम करते वो जगह मंदिर ही है। और अच्छा हुआ सेठ जी बावरी जी दुकान में आए, क्योंकि क्या है, बावरी जी को अलग अलग गिफ्ट देने के बहुत आइडियाज आते हैं, तो हम इनकी मदद ले सकते हैं। किसका बर्थडे है? नहीं नहीं बावरी जी, किसी का बर्थडे नहीं है। तो फिर गिफ्ट? अरे गिफ्ट क्या खाली बर्थडे पे दी जाती है? हाँ, और एनिवर्सरी पे। किसकी एनिवर्सरी है? नहीं नहीं बावरी जी, किसी की एनिवर्सरी नहीं है। तो फिर गिफ्ट किसके लिए? वो दरअसल क्या हुआ बावरी जी, ऐसे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बताइए बावरी जी, सेठ जी बबीता जी को क्या गिफ्ट दे? आप उन्हें अच्छे से गॉगल्स दे दीजिए, वो जब भी पहनेंगी आपको याद करेंगी। हाँ, बबीता? हाँ? ये गॉगल कब खरीदा तुमने? मैंने खरीदा नहीं है, जेठा जी ने गिफ्ट किया है। नाइस ना? इल्ले इल्ले?
ये तुम्हारे बेड पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। क्यों, इतना अच्छा तो है। अच्छा तो है लेकिन तुम्हारे बेड पे सूट नहीं कर रहा है। बबीता निकाल दो इसको प्लीज। अब ठीक है? हाँ। नहीं नहीं गॉगल नहीं, गॉगल नहीं, कुछ और सोचो। कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। जेठालाल को पूरी पेमेंट मिल गई तो अब जेठालाल बबीता जी को थैंक यू कहना चाहता है और साथ में एक गिफ्ट भी देना चाहता है। हमें भी जेठालाल की तरह ही सोचना चाहिए। जब भी कोई हमारी मदद करे ना तो उसका आभार व्यक्त करना चाहिए और थैंक यू के साथ साथ उसे एक गिफ्ट भी देना चाहिए। दोस्तों जेठालाल ने तो तय कर लिया है कि वो बबीता जी को गिफ्ट देगा, लेकिन ये गिफ्ट क्या होगा? अब क्योंकि जेठालाल बबीता जी को गिफ्ट देगा तो जाहिर सी बात है कि ये गिफ्ट स्पेशल होगा। लेकिन आप तो जेठालाल की किस्मत को जानते हैं ना, कहीं इस छोटी सी गिफ्ट के चक्कर में परेशानी का नया बवंडर ना खड़ा हो जाए। इस गिफ्ट की वजह से कोई नई परेशानी जेठालाल का इंतजार तो नहीं कर रही है? ये गिफ्ट क्या होगा और इस गिफ्ट की वजह से कौन से नए हंगामे होंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम बबीता को गुलदस्ता क्यों दे रहे? अरे वो विकी जी वाला होटल दिलवाया है ना बबीता जी ने। आपको तो जुकाम हो गया, जाइए जाइए, आते पैसे दवाई लेके आइए। ये जिग मेरे को जुकाम की वजह से नहीं, एलर्जी की वजह से आ रही है। आप पर आपको किस चीज की जरली है? ये फूलों का। जीठा जी प्लीज ये बुके आप यहाँ से ले जाइए ना, प्लीज प्लीज। अरे बबीता जी जाओ, 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 जाओ।